ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? वेव इक्वेशन हो गई थी, जनरल वेव इक्वेशन, आप उसको रीड करना सीख गए थे. गुड इवनिंग दिव्यांशी, गुड इवनिंग यश. सो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, इक्वेशन ऑफ वेव. जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव. द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव. भाई देखिए, हर वेव रिफ्लेक्ट होती है. गुड इवनिंग मैत्री. हर वेव रिफ्लेक्ट होती है अब्दुल्ला. एम्पलीट्यूड ऑफ, एक मिनट में जरा अब्दुल्ला का डाउट ले लूं. एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी. एम्पलीट्यूड का अगर पूछ रहा है ना, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड, दैट मींस वो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू. तो वो ओमेगा इनटू ए आ जाएगा. जो कॉस वाली टर्म है उसको वन ले लो तो ओमेगा ए आ जाएगा. एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, ये आप जरा एसएचएम में देखेंगे ना तो आपको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, उसी को एम्पलीट्यूड के. सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इज अ वेरी कॉमन फेनोमेनन. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव आपने लाइट में तो देखा ही होगा कि लाइट मिरर को स्ट्राइक करती है और वापस आ जाती है. दैट्स बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ही तरह हर वेव रिफ्लेक्ट करती है. साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट करती है, स्ट्रिंग की वेव भी रिफ्लेक्ट करती है. अब आपको देखना है रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशंस क्या होंगी. तो मैं जस्ट आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें आपको दिखेगा कि वेव रिफ्लेक्ट कर रही. तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा ना समझाना आसान हो जाएगा. भाई ये विजिबल है, एक बार आप लोगों को अनम्यूट कर दूं. यस सर, विजिबल है. यस सर. देखिए ये एक सिस्टम है, बेसिकली एक मीडियम है. इसको आप मीडियम समझ लो जिस मीडियम में ये वेव डेवलप करेंगे. इन्होंने क्या करा है, दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है. तो ये जो बाउंड्रीज है, दीज आर बेसिकली क्लोज बाउंड्रीज. तो देखो यहां से इसने वेव डेवलप करी, ये वेव ट्रैवल कर यहां जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही. सो दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो हमें स्टडी करना है. दैट्स रिफ्लेक्शन. ये फिनोमेना है जिसकी इक्वेशंस आपको लिखनी है. दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव. So, देखो उसमें कुछ चीजें जिसको मैथमेटिकली मैं देखूंगा. मान लो ये इंसिडेंट वेव है. एक सेकंड, एक सेकंड. ये इंसिडेंट वेव है, किस डायरेक्शन में आ रही है इंसिडेंट वेव? मैं डिसाइड कर पा रहा हूं. देखो ये इंसिडेंट वेव है, किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? सर राइट टू लेफ्ट. लेफ्ट टू राइट नहीं आ रही. हाँ राइट टू लेफ्ट, राइट. पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस? सर नेगेटिव एक्स एक्सिस. इंसिडेंट वेव एक्सिस. तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर आएगी, अब देखो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है. सर ऑपोजिट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एक चीज और इंटरेस्टिंग होती है अब वो ना, यहाँ उसको बहुत स्लो करना पड़ेगा. रुको मैं इसको स्लो कर दूँ. मे बी शायद अब कुछ दिखे. तो ये देखो ये इंसिडेंट वेव है. ओके ये इंसिडेंट वेव आई, यहां आई, ये ऊपर उठा. ऊपर उठने का मतलब है दिस वॉज क्रस्ट या ट्रफ? क्रस्ट. और जब ये रिफ्लेक्ट होकर आएगा ना तो वो ट्रफ हो जाएगा. बन गया, वो ट्रफ बन गया. मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको, इसको देखिएगा ढंग से कि ये आपकी इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव आई. इसके हाथ पर देखना, जब इंसिडेंट वेव आई है ना तो ये क्रस्ट है, राइट? ये क्रस्ट है. Yes. अब जब ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो ये नीचे आ गया. ये क्रस्ट किसमें डबल कन्वर्ट हो गया? ट्रफ में. तो जब भी रिफ्लेक्शन क्लोज होगा, इंसिडेंट अगर क्रस्ट है तो रिफ्लेक्ट होकर ट्रफ आएगा. लेकिन अगर ये ओपन बाउंड्री होती, मुझे ओपन बाउंड्री की कोई वीडियो मिली नहीं. ओपन बाउंड्री में क्रस्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होकर भी क्रस्ट आ रही होगी. तो ये डिफरेंस है ओपन बाउंड्री और क्लोज बाउंड्री. यहां इनके हाथ क्लोज बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहे हैं कि इनके हाथों में फिक्स किया हुआ है जो क्लोज बाउंड्री.
ओपन बाउंड्री होगी फिर तो वो एक रिपीटिंग प्रोसेस बन जाएगा ना, जैसे एक सर्कल में होता है तो वो तो सर्कुलर पाथ में जैसे घूमता है वैसे ही घूमेगा। नहीं, ये अगर ओपन बाउंड्री होगी तो ये ऐसा हो जाएगा, फ्लूट होती है, फ्लूट या पाइप टाइप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यस सर, इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली काम करते हैं एज एन ओपन बाउंड्री। पाइप टाइप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं एज एन ओपन बाउंड्री। वहां से एक वेव जाती रहती है तो उसमें रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगी? दोबारा बताओ क्या सर जो ओपन बाउंड्रीज हैं उसमें तो सर वो कंटिन्यूस वेव जाती रहेगी तो फिर उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा? हाँ, तो रिफ्लेक्शन जो होता है ना हमेशा वो एक फिक्स बाउंड्री से नहीं होता, वो रिफ्लेक्शन होता है प्रेशर डिफरेंस के चेंज होने की वजह से भी। तो जब आप पाइप लेते हैं तो उस पाइप के अंदर एयर प्रेशर और पाइप के बाहर एयर प्रेशर में फर्क होता है। उस एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जब तुम फ्लूट में साउंड वेव अपनी भेजते हो तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो वो फ्लूट जो अलग अलग तरह के साउंड डेवलप कर लेती है ना, दैट्स बेसिकली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो साउंड आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। सो दैट वाज रिफ्लेक्शन जो हमें स्टडी करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में कि वेव का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मींस इंसिडेंट वेव अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी दैट वुड बी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब उसके अलावा क्या चेंजेस आएंगे? क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाएगा अगर रिफ्लेक्शन क्लोज बाउंड्री से, अगर वो रिफ्लेक्शन ओपन बाउंड्री से तो फर्क नहीं पड़ता, क्रस्ट क्रस्ट की तरह आएगा, ट्रफ ट्रफ की तरह आएगा। तो पहले देखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ क्लोज बाउंड्री, तो अगर मैं आपको ये स्ट्रिंग दे दूं, इसमें मैंने एक वेव इंसिडेंट करी, भाई बताओगे ये क्रस्ट है या ट्रफ है? क्रस्ट, क्रस्ट, एक क्रस्ट इंसिडेंट कर दिया। जब ये रिफ्लेक्ट होकर आएगा ना, तो ये ट्रफ बन जाएगा। जब ये रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो ये ट्रफ बन जाएगा। मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली दिखा दिया। थ्योरेटिकल इसका रीजन ये है कि ये जो बाउंड्री है, स्ट्रिंग का जो पॉइंट बाउंड्री पर होगा वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। वो डिस्प्लेसमेंट जीरो तभी हो सकता है जब दो वेव्स, इंसिडेंट वेव, इसे मैं कहूंगा इंसिडेंट वेव और इसे मैं कहूंगा रिफ्लेक्टेड वेव, ये तभी होगा जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर, वो कैंसिल तभी कर सकती है, क्रस्ट ट्रफ से कैंसिल करेगा, ये ऑपोजिट फेस में होगा तभी कैंसिल कर पाएगा। एक्सपेरिमेंटली दिखा दिया था, थ्योरेटिकल ये रीजन है कि जो भी क्लोज बाउंड्री होगी, भाई स्ट्रिंग को मैंने फिक्स कर दिया नेल से, अब स्ट्रिंग ऊपर नीचे थोड़ी ना जा सकती है नेल, जहां नेल लगा हुआ, दैट मीन स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो तभी होगा जब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव एक दूसरे को कैंसिल करते, तो कैंसिल तभी करेंगे व्हेन दे आर इन ऑपोजिट फेस। लाइक क्रस्ट को कैंसिल करने के लिए आपको ऑपोजिट चाहिए विच इज ट्रफ। सो यहां मैंने इस डायरेक्शन में वेव भेजा, तो इंसिडेंट वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे इक्वेशन लिखकर बताइए, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट, तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग अगर वेव जा रही है तो आप इक्वेशन ऐसे लिखोगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दैट्स इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। अब मैं आपसे कहता हूं क्योंकि इंसिडेंट वेव इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अब मैं आपसे कहता हूं आपके पास एक रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखकर दिखाइए, दिस इज इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। तो मुझे बता सकते हैं आप क्या चेंज आएगा रिफ्लेक्टेड वेव में? सर साइन, साइन चेंज आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगी। तो आई रिफ्लेक्टेड वेव की जब आप इक्वेशन लोगे ए साइन इट्स ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, तो ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स, और ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स प्लस पाई, ये रिफ्लेक्टेड वेव।
तो देखो ओमेगा टी प्लस के एक्स तो आपके समझ में आया। अब ये जो पाए है ना, ये पाए बेसिकली ये शो कर रहा है कि क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो गया। ये जो फेस रिवर्सल है, क्रस्ट और ट्रफ में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। देखिए अगर मैं इसे ड्रॉ करके दिखाऊं, ये जीरो है, ये पाए है और ये टू पाए। क्रस्ट जीरो से पाए तक है, ट्रफ पाए से टू पाए तक है। तो क्रस्ट में और ट्रफ में पाए का फर्क है। अगर आप इसे क्रस्ट कहते हो तो ये पाए बाई टू है, ये ट्रफ कहते हो ये 3π/2 एंगल है, दोनों में डिफरेंस पाई है, इसलिए यहाँ पर पाई आ गया। तो ये जो पाई शो कर रहा है, पाई शो कर रहा है फेस रिवर्सल, जो आपको ज्योमेट्रिकली दिख रहा है आपको। ट्रस्ट ट्रफ क्रस्ट में कन्वर्ट हो गया, या क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट। तो ज्योमेट्रिकली ये जो क्रस्ट था, ये क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो गया, ये आपकी क्लोज बाउंड्री बता रही है। लिख लीजिए ना, सर यस एम्पलीट्यूड रिटेन हो जाएगा 100%। एम्पलीट्यूड दोबारा बताइए कितना होगा। आवाज ब्रेक करी। अगर आप ये पूछ रहे हैं एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, एम्पलीट्यूड इज सेम। बट ये दोनों वेव जब कंबाइन हो जाएंगी तो जीरो हो जाएगा, एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा। कंबाइन हो जाएंगी तो एक पॉइंट बन जाएगा जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है, तो आप एक बार और बोलिए या एक बार टाइप करिए। लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो, नहीं हम भी लॉस ऑफ एनर्जी कंसीडर नहीं कर रहे। लॉस ऑफ एनर्जी होगी तो डेफिनेटली एम्पलीट्यूड डिके करेगा, हम लॉस ऑफ एनर्जी कंसीडर नहीं कर रहे। हाँ मेथ्री, ओपन में पाई कंसीडर नहीं होगा, ओपन बाउंड्री में नहीं होगा। भाई सर अब करूँ मैं, यस सर। क्लोज बाउंड्री के बाद देखिए ओपन बाउंड्री। सो देखिए ओपन बाउंड्री में क्या होगा, आप ट्रफ इंसिडेंट करेंगे और ट्रफ ही रिफ्लेक्ट होकर आएगा। ट्रफ करोगे तो ट्रफ ही रिफ्लेक्ट होकर आएगा। तो अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ये है, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन में सिर्फ ये फर्क आएगा कि यहां कोई फेस रिवर्सल नहीं है, इट्स ओमेगा टी प्लस के एक्स ओनली। चलिए इतना लिखिए, फिर कुछ चीजें और देखिए। दैट्स अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। एक चीज और आपको दिखानी, इतना लिखिए आप, मैं जब तक जरा एक वीडियो और Excuse me, sir. Yes, Suraj. Sir, जो डब्ल्यू टी माइनस के एक्स था वो माइनस डायरेक्शन कौन से में करता था, अलोंग एक्स एक्सिस और अगेंस्ट एक्स एक्सिस? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो माइनस इज पॉजिटिव एक्सिस और माइनस इज पॉजिटिव, यस। थैंक यू सर।
plus means negative x axis. मैं लिखा इतना आप लोगों ने, एक वीडियो और है, आप सुपरपोजिशन नेक्स्ट है उसके, आपको अभी इतना हो गया. Yes. हाँ अब्दुल्ला, अगर वेव वाई एक्स, ये है ना, ये एक्स ये बता रहा है वेव एक्स के अलोंग जा रही है. अगर आप कहते हैं वेव वाई के अलोंग जा रही है तो इसे एक्स की जगह वाई ले लो, एक्स की जगह वाई आ जाएगा. और इसे आपको कोई और वेरिएबल लिखना होगा, इसे आप जेड लिख दीजिएगा. रिफ्लेक्शन के बाद द नेक्स्ट इज सुपर पोजिशन ऑफ वेव. अच्छा, अब ये सुपर पोजिशन भी ऐसा है जो एक बार आपको दिखेगा तभी मैं जरा समझा पाऊंगा. सुपर पोजिशन का मतलब है कि एक मीडियम से कई वेव्स पास कर रही हैं, वो वेव कंबाइन कर जाती हैं और कंबाइन करने के बाद एक सिंगल वेव बना लेती हैं, दैट इज नोन एज सुपर पोजिशन ऑफ वेव. जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना शुरू करूं, जैसे आप एक एक स्पीकर लो, एक सिंगल स्पीकर, वहां से कुछ साउंड वेव्स आ रही होंगी, आप दो तीन स्पीकर्स और ले लीजिए तो होगा क्या, उन अब एक पहले था, तीन आपने और ले लिए, टोटल चार स्पीकर्स हैं, चारों स्पीकर से साउंड वेव्स आ रही हैं, वो चारों स्पीकर से आने वाली साउंड वेव्स कंबाइन हो जाएंगी और कंबाइन होने के बाद एक रिजल्टेंट वेव बनाएंगे, दैट इज नोन एज सुपर पोजिशन ऑफ वेव. उस रिजल्टेंट वेव को आप कैसे विजुलाइज करोगे, उसके लिए हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. तो सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेगा, एक सिस्टम है उससे कई वेव्स पास हो रही है, बहुत सिंपल के लिए आप दो वेव्स ले लीजिए, दो स्पीकर्स हैं उससे दो वेव्स आ रही है, वो दो वेव्स कंबाइन कर देंगी, वो दो वेव्स कंबाइन करने के बाद एक रिजल्टेंट वेव बना देंगे, उस रिजल्टेंट वेव के बनाने को आप कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव. अब देखो जरा रिजल्टेंट वेव कैसी दिखेगी और क्या होगा. अब्दुल्ला वो डिपेंड करेगा कि, एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूं क्या होगा. भाई ये विजिबल है, असल में वेव ऐसा टॉपिक है जो दिखता नहीं है, तो बिना इस ग्राफिक्स के नहीं समझ में आएगा. तो देखिए ये आपके पास दो वेव्स है, दिस इज वेव नंबर वन एंड दिस इज वेव नंबर टू. रेड और ब्लू ये दो अलग अलग वेव्स हैं, एक वेव राइट में ट्रैवल कर रही है, एक वेव लेफ्ट में ट्रैवल कर रही है. और ये आपकी रिजल्ट, ये जो सिंगल है ये बता रहा है कि ये इन दोनों का सम दिखाएगा, इन दोनों वेव्स का सम. तो अभी तो यहां पर सिर्फ एक सिंगल ये वेव थी, एक सिंगल ये वेव थी, तो यहां भी एक सिंगल वेव और यहाँ सिंगल वेव, ओवरलैपिंग नहीं हुई, बहुत ढंग का ग्राफिक नहीं है. देखो ओवरलैपिंग अब आपको दिखेगी, जैसी ये वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे आपको यहाँ जो दिखेगा वो रिजल्टिंग वेव है. ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और ये एक रिजल्टिंग वेव बनता चला जाए, तो हमें इस रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन कैलकुलेट करना सीखना है. तो फिर से देखिए, ये दोनों वेव्स ओवरलैप कर गई, आपको एक रिजल्टिंग वेव मिल गई, फिर ये अलग हो गए, ये दोनों इंडिविजुअल वेव्स अब आपको दिखनी शुरू हो जाएंगे. तो आपको जो स्टडी करना है, आपको ये स्टडी करना है, ये वाला पोर्शन, जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती हैं, दैट इज सुपरपोजिशन. और उसी सुपरपोजिशन की आपको इक्वेशंस लिखनी है. अब वो सुपरइम्पोज करने के बाद एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या एम्पलीट्यूड कम होगा, वो डिपेंड करता है कि वेव सुपरइम्पोज कैसे करें. तो यहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है
according to superposition principle. When number of waves travel through a medium simultaneously, resultant displacement of any particle of medium is sum of displacement of individual waves. Sum of displacement of individual waves. So that's superposition principle. कि अगर एक medium से कई waves pass हो रही हैं, तो जो भी resultant wave होगी, उसका जो displacement होगा, वो individual waves के displacements को add कर कराएगा। तो जो graphic मैंने आपको भी दिखाया था, तो देखिए उस graphic के अंदर ये देखिए ये जो है ना ये फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट है इतना भाई ये विजिबल है यस सर ये सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट है ये फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट और जहां जाकर ये कंबाइन कर गए ये रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है जब ये कंबाइन कर जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा रिजल्टेंट वेव का जब ये कंबाइन कर जाएंगे तो वो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हम कैलकुलेट कर सो दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y is y1 plus y2 plus y. अब ऐसा है कि पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कई चीजें हुआ करती थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इंटरफेरेंस था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में स्टैंडिंग वेव्स थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बीट्स हुआ करता था ये सब हट गया लाइक अब ये पोर्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बीट्स पे मुझे थोड़ा सा शक है तो बीट्स तो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन ये इंटरफेरेंस तो एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं और ये स्टैंडिंग वेव बस मैं इसको खत्म कर दूं उसके बाद जैसे मैं रिविजन स्टार्ट करूंगा आपके नीट और जेई के लिए मैं ये सारे टॉपिक्स लेता हुआ चलूंगा लेकिन आपके साल स्कूल एग्जाम्स में ये सब टॉपिक्स नहीं आएंगे इसे लिख लीजिए इतना लिख लीजिए फिर एक बार बीट्स देखते हैं बीट्स पे थोड़ा सा डाउट है मुझे डाउटफुल है कि ये बीट शायद आ जाए तो मैं बीट डिस्कस कर लेता हूं चलिए इतना लिखिए ओके तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की ये एप्लीकेशंस हैं जिसमें से एक एप्लीकेशन बीट है तो देखो जरा बीट्स का क्या मतलब है सर एक मिनट पिछले पेज पे जा सकते हैं प्लीज यस 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 थैंक यू सर बीट्स के लिए भी मुझे तुम्हें एक वीडियो दिखानी पड़ेगी वरना ये बीट भी नहीं समझ में आएगा तो पहले देखो बीट के लिए कंडीशन क्या है बीट्स कब बनते
बीट्स आप तब सुनाई देगा आपको जब आपके पास दो साउंड वेव्स होंगे, व्हेन टू साउंड वेव्स. यार आज की क्लास में ना थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, मुझे बीच बीच में वीडियोस दिखानी होंगी वरना मैं समझा नहीं पाऊंगा कि ये हो क्या रहा है. ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन. सो दो वेव्स हैं, इनमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बहुत कम है. ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन इन अ मीडियम सुपर इम्पोज ईच अदर The intensity of resultant wave, the intensity. तो देखो ये दो वेव सुपर इम्पोज कर गई, दो साउंड वेव्स हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, बस स्लाइट फेज फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है जो 10 हर्ट्ज से कम होता है. अगर ये सुपर इम्पोज कर दें तो इनकी जो इंटेंसिटी होगी ना, द इंटेंसिटी ऑफ वेव राइज एंड फॉल alternatively with time. Alternately with time. These periodic variations is known as beat. इतना लिखिए जब तक मैं एक वीडियो स्टार्ट करूं बीट्स के लिए. यस मैत्री, यस आजी भक्त. व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन इन अ मीडियम सुपर इम्पोज ईच अदर द इंटेंसिटी ऑफ वेव राइज एंड फॉल ऑल्टरनेटिवली विद टाइम दीज पीरियोडिक variations in intensity of sound are called beats. Yes, superimpose means superposition. जो last अभी बताया था, last section में जो बताया था आपको, that is superposition. दो waves एक दूसरे पर superimpose कर जाएंगी, add हो जाएंगी, combine होने के बाद एक single resultant wave बना देंगी. That is superposition. Yes. अब देखो ये beat दिखता कैसा है. पोजीशन को आप बीट्स कहेंगे. अच्छा एक बार और देख लीजिए, ये दो साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसीज में बहुत कम डिफरेंस आपने ने रिलीज कर दिया, ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. सुपर पोजीशन के बाद इनके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएगा, इस एम्पलीट्यूड के वेरिएशन को आप बीट्स कहते हैं. हाँ भाई अब अपने डाउट्स बताइए फिर मैं इसकी कैलकुलेशन शुरू करा दूंगा. इसमें कोई डाउट किसी को, फिर हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं. हाँ भाई क्लियर है ये बीट्स स्टार्ट करें सर. अगर फ्रीक्वेंसी सेम होंगी तो बीट्स नहीं मिलेगा. अगर फ्रीक्वेंसी सेम होंगी यश तो सुपरपोजिशन होगा, एक और साउंड वेव बन जाएगी. लेकिन जो वेरिएशन मैं दिखा रहा हूं आपको फ्रीक्वेंसीज में, एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन था ना, ये वाला कि एम्पलीट्यूड कहीं कम हो रहा था कहीं ज्यादा हो रहा था, वो वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा. दैट्स बेसिकली बीट्स. तो फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होना चाहिए. अब एक चीज और भी है कि यहां जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज में दोनों, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी
of sound waves should be less than 10. तो ये जो दोनों साउंड वेव्स हैं, पहले की फ्रीक्वेंसी न्यू वन ले लो, दूसरे की फ्रीक्वेंसी न्यू टू ले लो, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 10 या 10 से कम होगा। अगर डिफरेंस 10 से ज्यादा हो गया तो आपको दो अलग अलग साउंड वेव सुनाई देंगी, आपको बीट नहीं सुनाई देगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आपके पास दो साउंड वेव्स हैं और इन दोनों साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 10 से कम आ गया तो आपको दो अलग अलग साउंड वेव सुनाई देंगी, आपको बीट नहीं सुनाई देगा। रीजन सिर्फ इतना है कि ह्यूमन एयर जो होते हैं भाई, एयर दो अगर साउंड वेव्स हैं जिनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 से ज्यादा है तो उसे अलग अलग सुनेगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कम है तो आप उसे एक सुनेगा। वो एम्पलीट्यूड जिसकी बात कर रहे हैं अब्दुल्ला, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं, ये सिर्फ डिसाइड करेगा कि बीट सुनाई देगा या नहीं देगा, इससे कोई डिफरेंस नहीं है कि डिफरेंस 5 है या 4 है, उसके एम्पलीट्यूड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी मैत्री, बीट्स में डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस होगा, अब ये जिसमें साउंड का एम्पलीट्यूड इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा, पीरियोडिकली एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा, दैट इज नोन एज बीट्स। फ्रीक्वेंसी की देखिए, बीट्स कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है यश, बीट्स एक फिनोमेना है। दो साउंड वेव जो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे अगर वो सुपर इम्पोज कर जाते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसे आप बीट्स कहते हैं। दोनों साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस की इक्वल होती है। सर मैं ये पूछ रहा था कि डिफरेंस 10 हर्ट्ज होगा या दूसरा, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज होगा। चलिए इतना लिखिए, फिर इसके बाद मैथमेटिक्स पर आते हैं। बीट्स इतना लिखा आप लोगों ने, रब करूं से अब प्योर मैथमेटिक्स है, मतलब आपको दिख गया था बीट्स होता है क्या, अब प्योर मैथमेटिक्स है आपके पास। तो देखो, बीट इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैं दो साउंड वेव्स ले रहा हूं, इन दोनों साउंड वेव्स में एम्पलीट्यूड तो सेम होगा लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस आएगा। तो ये एक साउंड वेव है आपके पास, दैट्स फर्स्ट साउंड वेव, और ये सेकंड साउंड वेव। मुझे वेव देखकर बताना कहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या वेवलेंथ बता दो मुझे कहां पर वेवलेंथ कम है। वेव वन और वेव टू, ये दोनों वेव्स देखकर मुझे बस इतना बता दो किस वेव में, सॉरी तो ये दो वेव्स हैं, किस वेव्स के अंदर वेवलेंथ, कहां वेवलेंथ ज्यादा है, वेव वन की वेवलेंथ ज्यादा है, वन की वेवलेंथ ज्यादा है ना, वेवलेंथ है क्या ये डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ वन वेव इज वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ, या वेवलेंथ कम हो जाती है। वेवलेंथ कम होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ wavelength is inversely proportional to frequency, जहां wavelength ज्यादा है वहां frequency कम है। इसकी frequency new one, इसकी frequency new two, आपने इन्हें superimpose करा दिया। इन्हें superimpose कराने के बाद आपको जो resultant wave मिलेगी वो resultant wave कुछ ऐसी दिखती है। ये तो मैं डॉटेड एक एनवेलप बना रहा हूं, वेव आपको ऐसी दिखेगी, इन दोनों को कंबाइन करने
आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो रिजल्टेंट वेव ही है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूअसली वेरी कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। दिस इज नोन एज बीट्स, ये बीट है। मैं बस कुछ मुझे मिल नहीं रहा ऐसा कि मैं आपको साउंड सुनाता। ये पर्टिकुलर टाइप का साउंड होता है जिसमें साउंड की इंटेंसिटी कम होती है फिर उसके बाद बढ़ती है। यूजुअली अलार्म का साउंड ऐसा होता है कि उस अलार्म में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मींस वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर एकदम से इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर कम होगा, फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी। दैट्स बेसिकली बीट्स, ये बीट्स है आपके पास। तो आपको मैथमेटिकली करना क्या है, आपको इस वेव की इक्वेशन दी होगी, आपको इस वेव की इक्वेशन दी होगी, दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज कर कर ये जो रिजल्टिंग वेव आ रही है इस रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन लिखनी है। ये काम होगा आपका, इसकी इक्वेशन नोन होगी, इसकी इक्वेशन नोन होगी, दोनों को कंबाइन कर कर इस वेव की इक्वेशन लिखनी है। इतना लिखिए फिर मैथ स्टार्ट कर दो। दिस इज बीट्स, चलो मैं लिखा सब लोगों ने। तो देखिए आपको इक्वेशन ऑफ बीट चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ बीट एक मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। डन सर। तो वेव बीट बीट्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर टू वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज न्यू वन एंड न्यू। तो हमने दो वेव्स ली हुई है जिनकी फ्रीक्वेंसीज न्यू वन एंड न्यू टू है। तो फर्स्ट वेव की इक्वेशन है दैट इज ए साइन ओमेगा वन टी माइनस के एक्स, दैट्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव। द सेकेंड इज ए साइन ओमेगा टू टी माइनस ऑफ के एक्स। तो ये जो एक्स होता है ये वो पोजीशन है ना जहां पर वेव हो गई, एक्स इज पोजीशन ऑफ वेव। तो बीट की कैलकुलेशन के लिए ज्यादातर ऑथर्स, इनफैक्ट सारे ऑथर्स इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, वो बीट फॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं ओरिजिन पर। कहते हैं अगर साउंड ओरिजिन पे चला गया तो क्या होगा। इसको लेने का रीजन सिर्फ ये है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती, अगर आप ओरिजिन पर ना भी लें कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी बट योर एंड रिजल्ट वुड बी सेम। शायद आपको स्कूल लेवल का तो कोई ऑथर नहीं दिखेगा जो ओरिजिन के अलावा कहीं और इसे सॉल्व करता, सब ओरिजिन पर सॉल्व करता। तो यहां पर x इक्वल टू जीरो सब्सिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन वन एंड इक्वेशन। तो ये पहली वेव की इक्वेशन है, ये वाली जो वेव थी इसकी इक्वेशन थी, y टू दूसरी वेव की इक्वेशन है, हमें इस वेव की इक्वेशन देंगे। और हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों ही वेव्स ओरिजिन पर रखी हुई है इसीलिए x इक्वल टू जीरो रखी। तो जब आप ये सब्सिट्यूट आ गया a साइन ओमेगा वन। अब ये जो ओमेगा है इस ओमेगा को लिख सकते हो ना टू पाई न्यू, तो ये आएगा ए साइन टू पाई न्यू वन टी, दैट्स थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से आप वाई टू को लिख सकते हैं, वाई टू इज ए साइन ओमेगा टू टी, जैसे आप लिख सकते हैं ए साइन टू पाई न्यू टू टी। भाई ओमेगा को लिख सकते हैं ना टू पाई टू फ्रीक्वेंसी, तो मैंने ये लिख दिया। मुझे इक्वेशन नंबर फोर तक के डाउट्स बताइए। भाई इक्वेशन नंबर फोर तक कोई डाउट है किसी को? तिशा, दिव्यांशी, युवराज, जस्ट मैंने दो वेव्स की इक्वेशंस लिखी हैं। अब्दुल नंदन,
मानस क्लियर है ये? यस सर। अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ बीट्स, तो बीट्स तो तभी बनेगी जब दोनों वेव सुपरइंपोज करते। जब आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि y है y1 प्लस y2। तो जब आप ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं, y1 होगा a sin इट्स 2 पाई न्यू 1t प्लस a sin 2 पाई न्यू 2t। आप इसमें से a कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया sin 2 पाई न्यू 1t प्लस sin 2 पाई न्यू 2t। ये सब एंगल है, इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 5। इसे एक्सपेंड करना है, अभी सिर्फ इसका एक्सपेंशन रह गया, इतना लिख लीजिए, फिर इसको एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट है। भाई यहां तक लिखिए, फिर देखते हैं इसका एक्सपेंशन क्या है। भाई लिखा आप लोगों ने, रब करूं मैं इसको? चलिए सबने लिख लिया, गुड। तो इक्वेशन नंबर 5 जो थी, y इज a साइन 2 पाई न्यू 1t प्लस साइन 2 पाई न्यू 2t, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब आपको इसे एक्सपेंड करना है, साइन 2 पाई न्यू 1t प्लस साइन 2 पाई न्यू 2t। तो जिन लोगों के पास मैथ्स है उन्होंने ये रिलेशन जरूर पढ़ा होगा, साइन c प्लस साइन d का रिलेशन होता है। इसे आप लिखते हैं 2 cos c माइनस d बाई 2, ये d बाई c माइनस d बाई 2 एंगल में, साइन c प्लस d बाई 2। और जिनके पास मैथ्स नहीं है भाई, ये आपको याद करनी होगी आइडेंटिटी, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। तो अगर मैं यहां देखूं, सी इज 2 पाई न्यू 1t, अब्दुल्ला कोई फर्क पड़ेगा अगर चीजें मल्टीप्लाई में है और मैं ऑर्डर चेंज कर दूं? ए बी और बी ए में कोई फर्क होगा? तो ये 2 cos, सो 2 cos c माइनस डी बाई 2 साइन c प्लस डी बाई 2। अगर इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दू तो y आ गया a, तो ये हुआ 2 cos c माइनस डी, c इज 2 पाई न्यू 1t माइनस 2 पाई न्यू 2t डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो साइन इट्स 2 पाई न्यू 1t प्लस 2 पाई न्यू 2t डिवाइडेड बाई 2। So, ये y हो गया, इट्स 2a cos 2 पाई t न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज sin 2 पाई t न्यू 1 प्लस न्यू 2 डिवाइडेड बाय 2। So, this is equation number 6. इसे हम कहते हैं ये आपकी बीट की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बीट।
ये बीट की इक्वेशन। सो यस सो वो टू डिनोमिनेटर में जो उसको कैंसिल नहीं कर सकते टू बाय। हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यही छोड़ देते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। Okay. आप चाहो तो इससे कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल कर दो, तो ये भी फॉर्म आ जाएगी आपके। y आ गया 2a cos pi t new 1 minus new 2 sin pi t new 1 plus new 2, तो ये y है, ये इक्वेशन ऑफ बीट चल जाएगा। चलिए भाई इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। इतना हुआ इतना लिखा आप लोगों ने, नेक्स्ट स्लाइड पर आए। यस सर। यस सर। तो देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट काम है इस बीट की इक्वेशन में एम्पलीट्यूड ढूंढना और फ्रीक्वेंसी और फेज ढूंढना। जैसे अगर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये एम्पलीट्यूड है, ये जो टाइम वाली जो टर्म होती है ये बेसिकली इसे फेज कहते हैं और ये एम्पलीट्यूड। अब आपको ये ढूंढना है कि ये जो इक्वेशन हम डिराइव करके लेकर आए इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा और इसमें फेस क्या होगा। तो देखिए यूजुअली फेस टाइम वाली टर्म होती है, लेकिन यहां दो टर्म्स हैं जिनमें टाइम आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि आपकी इक्वेशन में दो जगह टाइम आ रहा है तो हम करते क्या है, जहां पर एंगल ज्यादा होगा उसे हम फेस में लेते हैं, दूसरा वाला आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो यहां देखिए ये जो वैल्यू है ये इससे ज्यादा है, So, इसको आप कहोगे दिस इज द फेस, ये टर्म फेस डिसाइड करेगी और फेस वाली टर्म के अलावा जो कुछ भी बचता है उसे आप एम्पलीट्यूड। तो यहां से जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, इट्स अ वेरिएबल एम्पलीट्यूड। और वो चीज आपको इस डायग्राम से भी दिखनी चाहिए कि बीट्स में एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली वेरी करता है, एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं होता, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा होता। सो दैट्स इक्वेशन ऑफ इट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ बीट इज दिस। अगर वो आपसे पूछता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ बीट बताइए, इसे चाहे आप आर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, दैट एम्पलीट्यूड इज 2a cos pi t न्यू 1 माइनस न्यू 2, दैट्स एम्पलीट्यूड ऑफ। इतना लिखिए, जल्दी से लिखिए इतना, फिर हम देखते हैं बीट फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें। ये लिखा आप लोगों ने सबने? यस सर। चलो अब इसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी के लिए आप बीट्स का टाइम पीरियड लीजिए। तो देखो बीट्स में जब आप ढंग से देखोगे तो ये जो मैक्सिमम है ये मैक्सिमम बार बार रिपीट कर रहा है, ये मैक्सिमम बार बार रिपीट कर रहा है। तो वो टाइम जितने टाइम में मैक्सिमम अपने आप को रिपीट करता है उसे आप टाइम पीरियड ऑफ बीट्स कहते हैं। वो टाइम, हर वो टाइम जितने टाइम के बाद मैक्सिमम अपने आप को रिपीट करता है उस टाइम को आप टाइम पीरियड ऑफ बीट्स कहें। तो फिक्स टाइम जिसके बाद मैक्सिमम अपने आप को रिपीट करता है, या वो फिक्स टाइम जितने टाइम के बाद मिनिमा, ये है ना मिनिमम, ये इसको हम कहते हैं मैक्सिमम, कि यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इसे कहते हैं मिनिमा, कि यहां पर तो एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो वो टाइम जितने टाइम के बाद मैक्सिमम अपने आप को रिपीट करे या मिनिमम अपने आप को रिपीट करे उसे आप टाइम पीरियड ऑफ बीट्स कहोगे। और एक बार अगर आपके पास बीट्स का टाइम पीरियड है तो आप बीट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1 बाय टाइम पीरियड। तो इन द नेक्स्ट सेक्शन टास्क सिर्फ ये किसी तरह से टाइम पीरियड ऑफ बीट्स आप कैलकुलेट करो। नेक्स्ट सेक्शन में चाहिए मुझे टाइम पीरियड and frequency of beats. Beats का time period और beats की frequency चाहिए, तो उसके लिए amplitude से हम start करेंगे।
तो देख लो टाइम पीरियड ऑफ बीट का क्या मतलब है. टाइम पीरियड ऑफ बीट्स इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमम. तो दो सक्सेसिव मैक्सिमा या दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा उसे कहेंगे कि ये टाइम पीरियड ऑफ बीट्स, दैट्स टाइम पीरियड ऑफ बीट्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां यहां से लेकर यहां तक का टाइम पीरियड इज टाइम पीरियड ऑफ बीट्स, यहां से लेकर यहां तक का टाइम पीरियड इज टाइम पीरियड ऑफ बीट्स. या इसे आप ले लो अगर मिनिमा तो ये टाइम पीरियड, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, ये थर्ड मैक्सिमा. इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये आपका सेकंड मैक्सिमा है, ये थर्ड मैक्सिमा. मींस फर्स्ट टाइम जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, सेकंड टाइम जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, थर्ड टाइम जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम. तो अगर आप थर्ड मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच का टाइम सब्ट्रैक्ट कर दें, थर्ड मैक्सिमा का टाइम कैलकुलेट करें, सेकंड मैक्सिमा का टाइम कैलकुलेट करें, दोनों टाइम का आप डिफरेंस ले रहे, तो जो डिफरेंस होगा दोनों टाइम का वो आपको टाइम पीरियड ऑफ बीच दे देगा. तो पहले हम मैक्सिमा का टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो आपको एम्पलीट्यूड गिवन है रिजल्टेंट वेव का, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव. जी मेथ्री बिल्कुल इक्वल है, मैक्सिमा और मिनिमा का टाइम पीरियड इक्वल है. तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमा इज दिस 2a cos pi t न्यू 1 माइनस न्यू 2, 2a cos pi t न्यू 1 माइनस न्यू 2, दिस इज एम्पलीट्यूड. अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए भाई मुझे बता सकते हो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है? तो 1. तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए ये जो आप टर्म यूज कर रहे हैं ना, कॉस पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये मैक्सिमम होना चाहिए, 1 होना चाहिए. 1 होता है या माइनस 1 होता है, एम्पलीट्यूड ऊपर लो या नीचे लो एक ही बात. अब मुझे बताना शुरू करो कॉस में 1 और माइनस 1 कब कब आता है. देखिए जीरो 1 होता है, कॉस पाई माइनस 1 होता है, कॉस 3 पाई सॉरी कॉस 2 पाई फिर से प्लस 1 होगा, कॉस 3 पाई माइनस 1 होगा. आप जनरल लिख सकते हो कॉस एन पाई लोगे ना तो प्लस माइनस 1 आएगा, या तो प्लस 1 आएगा या फिर माइनस 1. तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है आपका कॉस पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज इक्वल टू कॉस एन पाई. ये समझ में आया एन पाई का कॉन्सेप्ट अब्दुल नंदन? अरे भाई जल्दी जल्दी बताओ, ये आया नहीं आया लॉजिक ये एन पाई का? आमना अंश आ गया सर समझ. तो यहां से जो टास्क है ना, द टास्क इज टू कैलकुलेट टी. आप इक्वेट कर दीजिए, आप ऐसे इक्वेट कर दीजिए पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज एन पाई. पाई से पाई कैंसिल हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो कि टी जो होगा दैट्स एन बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2. तो ये वो सारे टाइम है जिस पर मैक्सिमा होगा. एन जीरो से स्टार्ट करता है, जीरो से स्टार्ट करेगा, वन से स्टार्ट करेगा, टू से, थ्री एंड चलता चला जाएगा. तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आप एन इक्वल टू जीरो रख दीजिए, तो फर्स्ट मैक्सिमा आपका जीरो पर आएगा. सेकंड मैक्सिमा के लिए आप एन इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो सेकेंड मैक्सिमा आपका 1 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2 हो जाएगा, और ये होता चला जाएगा. आप अलग अलग रखते चले जाएं, इतना लिख लीजिए, फिर देखेंगे कि टाइम पीरियड कितना आता है.
भाई इतना हो जाए तो मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। हुआ रब करूं अंश? यस सर हो गया। चलो तो इसके बाद थर्ड जो मैक्सिमम, अच्छा नहीं हुआ, डन सर। अब अगर मैं आपसे कहता हूं थर्ड मैक्सिमम, अंश तुम्हारे लिए अब एक क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड मैक्सिमम में एन की जगह थ्री रख दीजिए तो ये थ्री बाय यू वन माइनस यू टू, और ऐसे ही आप करते चले जाओ। अंश मुझे चाहिए टाइम पीरियड ऑफ बीट, टाइम पीरियड ऑफ बीट टी, अच्छा हाँ टू होना चाहिए, राइट, थैंक यू अब्दुल्ला, टू होना चाहिए। अच्छा अब टाइम पीरियड ऑफ बीट बताइए मुझे अंश, टाइम पीरियड ऑफ बीट कैसे निकालेंगे? देखिए ये मैंने लिख दिया और ये सब मैंने टी वन टी टू आपको कैलकुलेट करके बता दिए, आप मुझे बताओ जरा टाइम पीरियड ऑफ बीट क्या होगा? अंश बता सकते हो मुझे टी वन टी टू टी थ्री की टर्म्स में टाइम पीरियड ऑफ बीट क्या आएगा? अच्छा अंश नहीं बताएगा, अंशिका बताएगी, अंशिका आप हैं क्लास में? सर डिफरेंस, हाँ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, बिल्कुल सही जा रहे हो, किसके बीच में डिफरेंस ले लूं? सर टी टू और टी वन क्या है? हाँ किसी भी दो के बीच में, वेरी गुड, टी टू टी वन टी थ्री टी टू किसी में भी ले लो, तो मैं जरा सा जनरल कर लेता हूँ ना, टी थ्री और टी टू में डिफरेंस ले लेता हूँ, किसी भी दो में ले लो, आंसर एक ही आना है, टू बाय न्यू वन माइनस न्यू टू माइनस वन बाय न्यू वन माइनस न्यू टू, सो द टाइम पीरियड ऑफ बीट्स कम्स आउट टू बी इट्स वन बाय न्यू वन माइनस न्यू टू, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ बीट। अच्छा अगर टाइम पीरियड ऑफ बीट्स आ गया तो अंश मुझे बताओ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट कैसे आएगी? टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, अच्छा नहीं बताओगे, कोई और बताएगा फिर, अब्दुल रंदान बता देगा, अब्दुल रंदान यार बताओगे जरा टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? सर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई बाय टी, 1 बाय टी, दैट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप बिल्कुल सही बता रहे थे, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो जब आप इसका इनवर्स करोगे तो ये क्या आ जाएगा, न्यू वन माइनस न्यू टू, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट विच इज न्यू वन माइनस न्यू टू। और मैंने शुरू में बताया था इस बीट फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, है ना, ये हमेशा 10 से कम आएगी, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो जब भी आप इसे कैलकुलेट करोगे इट्स ऑलवेज लेस देन 10, यहां तक लिखिए, फिर इसी काम को मिनिमा से भी करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं कि मिनिमम से कैसे आएगा, मिनिमा से बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके बाद अगर हम मिनिमा पर आए, भाई एम्पलीट्यूड हमने ड्राइव किया 2a cos pi t न्यू वन माइनस न्यू टू, दिस इज एम्पलीट्यूड, मुझे चाहिए मिनिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, अब दिव्यांशी बताएगी मुझे, दिव्यांशी मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए
कॉस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाँ, एंगल इतना होगा मैत्री, कॉस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यस, भाई एम्पलीट्यूड मिनिमम तभी होगा जब कॉस कितना आ जाएगा, जीरो। अब ये भी सीखो कॉस कब कब जीरो होता है। कॉस पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री जीरो, कॉस 3π/2 जीरो, 5π/2 जीरो, ये सब जीरो है। तो आप इन जनरल इसे लिख सकते हैं कॉस 2n+1π/2। एन आपका जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप यहां ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई टी न्यू 1 - न्यू 2 इज कॉस 2n+1π/2। ये रहा एंगल और ये रहा एंगल। अब आप जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, दिस इज पाई टी न्यू 1 - न्यू 2 is 2n+1π/2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इट्स 2n+1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ न्यू 1 - न्यू 2। ये टाइम होगा अलग अलग मिनिमा के लिए। एन आपका जीरो से स्टार्ट कर जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। अगर मैं यहीं पर एन इक्वल टू जीरो रख दू फर्स्ट मिनिमा के, ये जो आया था ना डायग्राम में फर्स्ट जो मिनिमा आया था ये वाला, इस पहले मिनिमा को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इस पहले मिनिमा के लिए मुझे एन इक्वल टू जीरो रखना होगा। तो जैसे ही मैं एन इक्वल टू जीरो रखूंगा टी वन आ जाएगा, एन की जगह जीरो रख दो, देखो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये बचेगा 1/2 न्यू 1 - न्यू 2। ऐसे ही आप जब एन इक्वल टू जीरो के बाद एन इक्वल टू 1 रखेंगे सेकंड मिनिमम, सेकेंड मिनिमा के लिए एन की जगह आप 2 रख दीजिए। तो जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे आपका टी 2 आ जाएगा, देखो एन की जगह 2 रख दो, ये आएगा 2 × 2+1/2 न्यू 1 - न्यू 2। तो ये आ गया 5/2 न्यू 1 - न्यू 2। ऐसे ही आप टी 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। Excuse me, sir. Yes. सर हमने फर्स्ट मिनिमा में n = 0 लिया और सेकंड मिनिमा में n = 2 क्यों लिया, वो 1 ही होना चाहिए। यस, ये थर्ड मिनिमा। ये हमने थर्ड मिनिमा कैलकुलेट कर दिया ना। अब ये सेकंड मिनिमा, तो यहाँ n इक्वल टू 2 रख दीजिए, इट्स 2 × 1 + 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 2 n·1 - n·2। सो दिस इज 3/2 n·1 - n·2। ये है आपका सेकेंड और ये थर्ड आई। तो T3 आया 5/2 n·1 - n·2। ऐसे आप कैलकुलेट करते चले जाओ, अलग अलग इंस्टेंट्स आते चले जाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं टाइम पीरियड ऑफ बीट्स निकालो। तो जो टाइम पीरियड ऑफ बीट्स है वो दो मिनिमा का डिफरेंस होगा। आप T3 - T1 ले लीजिए या आप T2 - T1 ले लीजिए, दैट्स टाइम पीरियड ऑफ बीट। तो अगर आप T2 - T1 लेंगे, स्पेस नहीं इतना लिख लीजिए, फिर आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए, सेम रिजल्ट आएगा। करके देखिए, सब्ट्रैक्ट करके देखिए, मुझे तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा।
गुड अब्दुल्ला, सेम आएगा, सेम आ रहा है, सही। गुड मेधरी, सही कह रहे। तो देखिए अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं, सो टी इज टी टू माइनस टी वन। युवराज ये टू नहीं आएगा यार, चेक करो जरा, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो मैंने बिना उसके भेजा था पहले, बट मुझे लगा टू आएगा तो मैंने फिर से भेज दिया। ना टू नहीं आएगा, माइनस पोस्ट वाले पे भेजा सर मैंने पहले। ओके, वन बाय टू न्यू वन माइनस टी टू माइनस वन बाय टू न्यू वन माइनस। तो ये आप एलसीएम ले लीजिए, टू न्यू वन माइनस न्यू टू, थ्री माइनस वन हो जाएगा विच इज टू, टू से टू कैंसिल हो गया। तो टाइम पीरियड ऑफ बीट्स आया वन बाय न्यू वन माइनस न्यू टू। तो यहां जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी, that beat frequency is 1 by time period, or which is 1 by, not 1 by, it's new and minus new. तो आप beat frequency कहीं से भी calculate कर लो, beat frequency same आएगी, it's new 1 minus new 2 always. चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एरप कर दूं, भाई इतना हुआ, रब करूं इसे। यस सर। अब्दुल्ला ये शो करता है कि मैक्सिमा और मिनिमा जो होंगे वो एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। ये बेसिकली आपको बताएगा कि जो मैक्सिमा है या मिनिमा है वो एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये आपको बताएगा कि फ्रीक्वेंसी सेम आ रही। ओके, अब इसमें एक बेसिक सा न्यूमेरिकल देख लो, क्योंकि बाकी न्यूमेरिकल्स तो हम कल स्टार्ट करेंगे। ट्यूनिंग फॉग देखा है तुम लोगों ने? ट्यूनिंग फॉग देखा है? क्योंकि yes, sir. देखा है? एक बार मैं वो दिखा दूं, ट्यूनिंग फॉग से बीट्स कैसे प्रोड्यूस होता है। एक मिनट यार, सॉरी, मुझे ना स्लाइड्स पहले बना के रखनी चाहिए थी, लास्ट मोमेंट पर स्लाइड्स। अच्छा, आप लोगों के स्कूल में क्या प्रैक्टिकल्स हो पा रहे हैं अभी? प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन बन रही है, प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन दिखा देते हैं बस। अच्छा, देख लेते हैं, चलो यही अच्छा है, मुझे भी तुम्हें प्रैक्टिकल्स ही दिखाने हैं। अच्छा, ये मैं ट्यूनिंग फॉग्स दिखा रहा हूँ आपको दो, क्योंकि ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ट्यूनिंग फॉग पर बेस्ड है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाला देखो, तो ये बेसिकली दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं, ट्यूनिंग फॉक वन और ट्यूनिंग फॉक टू। एक को देख रहे हो, उसने स्क्रू लगा दिया, तुम्हें दिख रहा है सब?
यस सर दिख रहा है. तो स्क्रू लगाने की वजह से दोनों की ना फ्रीक्वेंसी, जब ये आप इसको स्ट्राइक करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, तो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है. स्क्रू लगाने की वजह से क्या होगा, दोनों अगर स्क्रू ना लगाए ना तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी. अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो बीट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन इसको लगाने की वजह से दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो जाएंगी. तो अगर मैं इसको, ये साउंड आ रहा है, ये साउंड सुना, आप सुनाई दे रहा है? यस सर सुना. तो वो जो साउंड था ना, अगर आप उसे ढंग से देखो, और को मैं इसको स्लो कर दूं, इसे बहुत स्लो कर दूं यार, ये सब मैं अपने क्लासरूम में बड़ा अच्छा कर लेता था, लेकिन मेरे क्लासरूम छोड़ दिया. कैन यू हियर अ वा 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 वा. तो देखो ये बेसिकली करने की क्या कोशिश कर रहा है, इसने दो ट्यूनिंग फॉर्क्स लिए, दोनों ट्यूनिंग फॉर्क्स की ना फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एक तरह की आइडेंटिटी करें. तो उसने क्या किया, एक के ऊपर स्क्रू लगा दिया, मतलब ये तो एडवांस लैब है तो स्क्रू लगा दिया. इंडिया में हम क्या करते हैं, हम वैक्स लगा देते हैं, या फिर आप एक स्क्रू को, एक ट्यूनिंग फॉर्क को लेकर सैंड पेपर लोगे और उससे थोड़ा सा घिस दोगे, तो उसकी वजह से दोनों की फ्रीक्वेंसीज में फर्क आ जाता है. अब ये क्या करेगा, इसे स्ट्राइक कर रहा है, ये लगा दिया स्क्रू. अब ट्यूनिंग फॉर्क को जब ये रॉड से स्ट्राइक करेगा ना, तो साउंड प्रोड्यूस होगा, दोनों को स्ट्राइक करेगा, दो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होंगे, बहुत कम फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा, तो अल्टीमेटली आप बीट सुन पाओगे. सुनने की कोशिश करो. इवन अ लिटिल बिट देन यू गेट द फॉलोइंग फेनोमेनन. तो ये जो साउंड है ना, अगर आप सुनाई दे रहे हैं कि एक एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर इंटेंसिटी कम हो रही है, फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी कम होगी. Can you hear a wow, wow, wow? This is basically beat. तो आप ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स करोगे वो न्यूमेरिकल्स इन दो ट्यूनिंग फॉर्क्स के ऊपर हो. तो सुनाई दिया सबको वो? yes, sir. में सुना yes, sir. तो ये जो भी आपने कैलकुलेशन करी है ना, वो कैलकुलेशन ये बीट्स है. तो पोजीशनिंग से क्या फर्क पड़ता है स्क्रू के, अगर ऊपर नीचे? दोनों जो ट्यूनिंग फॉक्स है ना, अदरवाइज आइडेंटिकल है, उनमें जो फ्रीक्वेंसीज होंगी दोनों की, वो फ्रीक्वेंसीज एग्जैक्टली सेम होंगी. न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू. इफ न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू, तो कोई बीट ही प्रोड्यूस नहीं होगी, बीट फ्रीक्वेंसी जीरो. तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए जरूरी है कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस हो, तो उस डिफरेंस के लिए वो स्क्रू लगा देता है. स्क्रू लगाने से दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग हो जाती है, आपको बीट सुनने को मिल जाता है. इंडिया में स्क्रू नहीं लगाते, इंडिया में आपके स्क्रूज में जो लैप में ट्यूनिंग फॉक्स होते हैं उस पर वैक्स लगा देते हैं. वैक्स लगा दिए, दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग हो जाएंगी, एक साथ बजाओगे तो फिर आपको बीट सुनाई दे. एनीवे चलो आज इसको यहीं छोड़ते हैं, कल हम वाइंड अप करेंगे. अच्छा एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दूं भाई. इसके बाद हमारे पास थर्मल बचा हुआ है पूरा का पूरा. मैं थर्मल नहीं पढ़ाता, मतलब थर्मल मेरे लिए बहुत बोरिंग टॉपिक है. मैं